نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله आज की ये 23वीं सालाना अजीम शान फकीदुल मिसाल रूह परवर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनेकाद पज़ीर है, जिसका इंतज़ाम व इंसराम मोहतरमी व मुकर्रमी हाजी ग़ुलाम रसूल साहेब और उनके फरजंदे अर्जुमंद मोहतरमी व मुकर्रमी हाजी शब्बीर अहमद साहेब और उनके बरादरान रफ़क़ा खूबसूरत ये महफिल हर साल सजाते हैं और इस महफिल पाक की सदारत फरमाने वाली शख्सियत अजीम हस्ती सैयद उस्सादात फ़ख्र उस्सादात पीर तरीक़त रहब शरीयत पीर सैयद फैज़ुल हुसैन नकवी शाह साहिब दामत बरकातहुम आलिया आस्ताना आलिया सैदों वाली शरीफ आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर मौका अता फरमाया कि सादात की ज़ियारत कर रहे हैं। मैंने कोई ज़्यादा आपसे गुफ्तगू नहीं करनी, हज साहब का हुक्म था, बस चंद मिनट आपके सामने बात अर्ज़ करता हूँ। मैं करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक से बात का आगाज़ कर रहा हूँ, ज़रा तवज्जो मेरी तरफ़ रखिए। मैं इस नीयत से खाना खुदा में बैठकर इस बात का आगाज़ कर रहा हूँ कि आप अहबाब हुलिया मुस्तफ़ा सुनेंगे, रात को कभी आराम फरमा रहे होंगे तो आँखों के सामने दीदार मुस्तफ़ा होगा, आँखों को दीदार मुस्तफ़ा नसीब होगा इंशाअल्लाह ज़वजल। इस मोहब्बत और अकीदत और जज्बे के साथ बात फरमाइए। हज़रत बर्रा बिन आज़िब और हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा दोनों रिवायत करते हैं, दोनों से ये रिवायत मरवी है। आप फरमाते हैं कि कान अज़हर लौ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंगत मुबारक गंदम ही था, आपका रंग मुबारक आपकी रंगत मुबारक गंदम ही रंग की थी, खूबसूरत थे। फरमाया कि कान मलीहन और फरमाया हुजूर का जो हुस्न था वो हुस्न मलाहत के मालिक थे। ये हुस्न मलाहत क्या होता है? एक है चीज़ खूबसूरत है, कोई भी शख्स हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ हो खूबसूरत हो तो इंसान उसको एक मरतबा देखता है, दूसरी मरतबा जनाब उसको देखता है, तीसरी मरतबा उसको देखता है, चौथी मरतबा उसको देखता है, यहां तक के पांचवी बार जब उस चीज को देखता है तो इंसान उसकी खूबसूरती को देख देख कर अक जाता है, इंसान थक जाता है, दोबारा उसको देखने को जी नहीं चाहता। ये हुस्न मलाहत ये है कि जिसको एक मरतबा देख लिया जाए, एक मरतबा जिस चीज को देख लिया जाए बार बार उसकी दिल में देखने की ख्वाहिश तड़प पैदा हो, बार बार देखने को जी चाहे, उसे हुस्न मलाहत कहा जाता है। सहाबा किराम तशरीफ फरमा होते थे, हुजूर तशरीफ फरमा होते थे, जलवागर होते थे, सहाबा किराम क्या क्या करते थे, हुजूर के चेहरे अकदस पर निगाहें जमा के बैठे करते थे, टिकटिकी बांध कर। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 70,000 पर्दों में वहां पर भेजा। कितने पर्दों में जनाब? 70,000 पर्दों में दुनिया में मबूस फरमाया। यहां पे फिर तौजीह लिखी कि 70,000 पर्दों में क्यों भेजा महबूब को, अपने महबूब को 70,000 पर्दों में क्यों भेजा? फरमाया कि 70,000 पर्दों में अपने हबीब को, अपने महबूब को इसलिए भेजा
कि भला अपना महबूब भी कोई किसी को दिखाता है, अपना महबूब भी कोई किसी को देखने देता है, इसलिए अल्लाह ने 70,000 पर्दों में भेजा है। तो इसलिए पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया था, बेकौनैन है, बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, आईना हक है शहे अबरार का चेहरा, देखे तो दुआ मांगे यूसुफ किना। यहाँ पे मैं रुककर एक बात करना चाहता हूँ कि महशर का मैदान सजा है, जरा तसव्वुर कीजिए, महशर का मैदान सजा है, रब की अदालत लगी हुई है, आदम भी मौजूद है, शीश भी वहां मौजूद है, नूह भी मौजूद है, याकूब और यूसुफ भी मौजूद है, इब्राहिम और इस्माइल भी मौजूद है, इसहाक भी मौजूद है, जकरिया और यहया भी मौजूद है। यहाँ पे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने लिखा है, फरमाया कि दुनिया के अंदर दस्तूर ये था यूसुफ अली सलाम के दौर में कि यूसुफ आगे आगे चला करते थे, जुलेखा पीछे पीछे फरेफ्ता होकर भागा करती थी। फरमाया कयामत का जो मंजर होगा, मुल्ला अली कारी लिख रहे हैं कि वहां पे यहाँ का उलट होगा, वहां पे हुजूर आगे आगे होंगे, हुस्न यूसुफ पीछे पीछे होगा, पे हुजूर आगे आगे होंगे, यूसुफ अलैहि सलाम पीछे पीछे होंगे, जब पीछे पीछे होंगे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे भी नसीरुद्दीन ने फरमाया कि यूसुफ अलैहि सलाम जब हुजूर का हुस्न देखेंगे तो वहां पे दुआ मांगेंगे कि देखें तो दुआ मांगे यूसुफ की ना कि खालिक तकता रहूं तेरे शहकार के, खालिक तकता रहूं तेरे शाहकार का चेहरा। यहाँ पे आगे बढ़कर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखते हैं, आप फरमाते हैं जो हुजूर का हुस्न मुबारक था, फरमाया जो हुजूर का हुस्न था 70,000 पर्दों में छुपा हुआ था, अगर एक पर्दा भी हुजूर के हुस्न का अल्लाह तबारक व ताला उठा देते, एक पर्दा भी अगर हट जाता, फरमाया हुजूर का ऐसा हुस्न था, अगर उस हुस्न की एक झलक कब्रिस्तान के अंदर पड़ती तो मुर्दे मुर्दे न रहते, कब्रिस्तान से उठकर हुजूर का कलमा पढ़ना शुरू कर देते। हुजूर को अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था। आप और मैं खुशकिस्मत हैं उस हबीब का मिलाद बनाने के लिए बैठे हुए। आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है उसका तर्जमा समाज कीजिए, फरमाया लितुमिनु बिल्लाही व रसूलिही वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु वतुसब्बिहूहु बुकरतन वासीला। फरमाया लितुमिनु बिल्लाही व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल की जात पर जब कोई ईमान ले आए, फरमाया वतुअज़्ज़िरूहु और उसकी ताज़ीर करे, ताज़ीम करे, तादीब करे। यहाँ पे जो लफ्ज है ना, तवज्जो कीजिए मेरी तरफ, यहाँ पे वतुअज़्ज़िरू का यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ, हालांकि ताज़ीम के लिए अदब के लिए तुअज़्ज़िमू का लफ्ज भी आ सकता था। अल्लाह ने कुरान में कई जगह बयान भी फरमाया है, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, कि मेरी शायर की मेरी निशानियों की ताज़ीम की जाए, या अल्लाह तेरी निशानियां क्या है, फरमाया इन्नस्सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा का अदब करना है, क्यों, ये मेरी निशानी है, मरवा का भी अदब करना है, ये मेरी निशानी है, वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला इन अव्वल बैतु वुदिया लिन नासी लल्लज़ी बिबक्का। फरमाया ये जो मक्का घर है इसका भी अदब करना है, ये भी मेरी निशानियों में है, आबे जमजम है इसका भी अदब करना है, ये भी मेरी निशानियों में है। ऐ अल्लाह तूने हुजूर का भी अदब सिखाया, अपनी निशानियों का भी अदब सिखाया, लेकिन अल्फाज अलहदा अलहदा है, हमें समझ नहीं आई इसकी वजह क्या है। अल्लाह ने फरमाया मैंने अपनी निशानियों के लिए जब अदब का हुक्म दिया वहां पे मैंने तुअज़्ज़िमू का लफ्ज इस्तेमाल किया, जब मैंने अपने हबीब के अदब के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया वहां पे तुअज़्ज़िरू का लफ्ज इस्तेमाल किया। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तुअज़्ज़िरू का लकब अल्लाह ने इसलिए इस्तेमाल किया कि वह तुअज़्ज़िरूहु इसलिए इस्तेमाल होता है कि हुजूर के बारे में रब तआला फरमाना चाहते हैं कि जब तुमने सफा का अदब करना है तो एक हद में रहकर अदब करना है, मरवा का अदब करना है एक हद में रहकर अदब करना है, मक्का का अदब करना है एक हद में रहकर अदब करना है, आबे जमजम का अदब करना है एक हद में रहकर अदब करना है। फरमाया जब बारी आए ना हबीब की, जब बारी आए ना आमना के लाल की, जब बारी आए ना दुर्रे यतीम की, जब बारी आए काली कमली वाले की, जब बारी आई अपने हबीब की, फरमाया एक हद में नहीं रहना, अरे हद में नहीं रहना, सारी हदें क्रॉस करके सिर्फ रब नहीं मानना, सारा अदब हुजूर का करना। फरमाया फिर हद नहीं देखनी, जब हुजूर का अदब करना है ना फिर तुमने हद नहीं देखनी,
फरमाया हद से बढ़कर तुमने हुजूर का अदब करना है। सहाबा कैसे अदब करते थे, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, सुनिए, सहाबा कैसे अदब करते थे हुजूर का। सहाबा हुजूर का अदब हद से बढ़ किया और किया करते थे। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, आप यहाँ तशरीफ फरमाए, यहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, मैं यहाँ पे पेश इमाम हूँ, आप बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत करते हैं, मैं यहाँ पे चार बंदू में बैठ कर ना अगर थूक फेंक दूं, एक मरतबा बर्दाश्त कर लेंगे, दूसरी मरतबा बर्दाश्त कर लेंगे, तीसरी मरतबा बर्दाश्त कर लेंगे, चौथी मरतबा कहेंगे कारी साहब बार नहीं जाके छोड़ सकते, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे ना कि यार बार नहीं जाके छोड़ सकते, तुसी जरूर ऐसे गंद पाना है। अरे देख कुर्बान जाए सहाबा कितना अदब करते हैं, हुजूर तशरीफ फरमा है, हुजूर ला पे तन फेंकना चाहते हैं, सहाबा आगे हाथ कर लेते हैं, यार रसूलल्लाह ये ला पे तन जमीन पे नहीं जाना चाहिए, हम अपने चेहरे पे मल लिया करेंगे। उरवा बिन मसूद सुलह हुदैबिया के वक्त 1500 सहाबा किराम है, एहराम बांधे हुए हुदैबिया के मकाम पर हुजूर तशरीफ फरमा है, उरवा बिन मसूद आ गया, दिल में नियत ये की कि जाके देख, मैंने कैसर को देखा है, मैंने किसरा के बादशाह को देखा है, मैंने उन बादशाहों को देखा है कि जब आते हैं तो रोब के साथ आते हैं, आते हैं तो तंतने के साथ आते हैं, आते हैं तो दबदबे के साथ आते हैं, जरा जाके देखूं मुसलमानों का नबी कैसे आता, मैं जाके देखूं उनकी रियाया को भी देखा है, मैं जाके देखूं कि मुसलमानों के नबी का मुसलमान कितना अदब करते हैं, किस वकार और किस इज्जत के साथ आते हैं, जाके देखूं तो सही, कलमा पढ़ने नहीं आया, कलमा नहीं पढ़ा, उरवा बिन मसूद आया, हुजूर तशरीफ फरमा है, हुजूर वुज़ू फरमाने लगे, बिलाल ने बर्तन हाथ में लिया हुआ है, तवज्जो मेरी तरफ, बिलाल ने बर्तन हाथ में लिया हुआ है, एक सहाबी रसूल पानी गिरा रहे, हुजूर वुज़ू फरमा रहे, पानी के जो कतरे गिर रहे हैं वो बर्तन में जमा हो रहे हैं, पानी के कतरे बर्तन में जमा हो रहे हैं, बिलाल जमा कर रहे हैं, हुजूर हुजरा में चले जाते हैं, सहाबा दौड़ के बिलाल के पास आते हैं, यार बिलाल एक दो कतरे हमें भी दे दो, हम हुजूर से मस शुदा जो पानी है उस पानी को हाथों पे मल के चेहरे पे मल लिया करेंगे, हम उस पानी को जो हुजूर के जिस्म में अतहर से मस हुआ है उस पानी को हम मस करके अपने कपड़ों पे मल लिया करेंगे। किसी सहाबी के हिस्से में पानी ना ना आता, किसी सहाबी के हिस्से में अगर पानी ना आता, उसकी मोहब्बत देखिए, तड़प जाओगे, सुनिए कि हुजूर का कैसे अदब करते थे, किसी के हिस्से में पानी ना ना आता, पानी का कतरा ना आता, जिसको अब पानी मिल चुका है, जिसने अपने हाथों पे मस कर लिया है वो पानी, जिसने अपने कपड़ों पे पानी लगा लिया है, अब जिसको नहीं मिला वो उसके पास जाके मिलते करता है, तरले करता है, यार मुझे अपने जिस्म को हाथ लगाने दे, क्या हुआ मुझे अगर पानी नहीं मिला, उस पानी को जिस जिस्म ने मस किया मैं उसे तो मस कर लूंगा। हुजूर का सहाबा इस तरह अदब किया करते थे, फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज्जिरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, फरमाया अल्लाह रसूल उसके रसूल की जात पर ईमान ले आए हो, फरमाया व तुअज्जिरूहु फिर उसका अदब करना है, व तुवक्किरूहु तअज़ीम करनी है, व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला सुबह शाम मेरी तस्बीह करनी है। यहाँ पे मैंने अर्ज की या अल्लाह अपने ईमान के बाद तूने यहाँ पे अल्लाह अपने रसूल का अदब बताया है, हालांकि अपने ऊपर ईमान लाने के बाद तूने वह तो सब भी हूँ बुकरता हूँ वसीला अपनी इबादत का हुक्म देना था, इबादत को तूने बाद में रखा है, अपने हबीब का अदब पहले रखा है। मैं कहना यह चाहता हूँ तसव्वुर के अंदर रब ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ईमान लाएगा उसके बाद अदब मुस्तफ़ा करेगा तो उसका ईमान कामिल होगा। मालूम यह होता है कि इंसान का ईमान कामिल उस वक्त होता है जब इंसान दिल में अदब मुस्तफ़ा रखता है, इबादत काबिल कबूल उस वक्त होती है जब सीने में अदब मुस्तफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अदब मुस्तफ़ा अता फरमाए, अपनी नस्लों को भी हुजूर का अदब सिखाया करो, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआ।